हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग फ्रेंड्स? आज की वीडियो में मैंने ब्लेस्ट से रिलेटेड 10 ऐसे क्वेश्चंस का वीडियो तैयार किया है जो या तो आपने पूछे हुए हैं, एक दो क्वेश्चंस मैंने भी ऐड किए हैं जो हर फीमेल को पता होने चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो फीमेल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो आइए चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल शेप क्या होती है ब्रेस्ट के? फीमेल्स के अंदर मोस्टली होता है, एक दूसरे को देखती हैं, ऑब्जर्व करती हैं और मतलब सोचते हैं कि पता नहीं हमारे ब्रेस्ट की शेप नॉर्मल है नहीं है। तो यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ आपको, ब्रेस्ट की शेप वैरायटीज़ की होती है। ठीक है, अलग अलग वैरायटी की आ जाएगी, उसका मैं एक स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पर लगाकर दिखा दूँगी। तो आप दूसरे से कंपेयर ना करें कि आपके ब्रेस्ट की शेप क्या है, वैरायटीज़ होती हैं। जैसे कि एक हाइट का एग्जाम्पल सिंपल सा ले लो, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है। इन द सेम वे किसी की शेप कैसी होती है, किसी कैसी शेप होती है, कोई एग्जैक्टली नॉर्मल शेप नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है कि अगर ऐसी होगी, ऐसी दिखेगी तो नॉर्मल है। ठीक है, तो इस सब के कन्फ्यूजन में आप बिल्कुल भी ना पड़े। सेकेंड आ जाता है, नॉर्मल साइज़ क्या होता है ब्रेस्ट का? ये भी सेम ऐसा ही है, नॉर्मल क्राइटेरिया नहीं है। कुछ एवरेजेस बताए गए हैं, जैसे कि जो पतली लड़कियाँ होती हैं तो उनका ब्रेस्ट का साइज़ मोस्टली कम ही देखा गया है। जो हेल्दी लड़कियाँ होती हैं उनका ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ा हुआ होता है। जिनकी हाइट कम होती है उनका भी ब्रेस्ट साइज़ मोस्टली हैवी होता है। तो ऐसे कुछ नॉर्मल क्राइटेरिया कुछ भी नहीं है। यस, ब्रेस्ट का साइज़ डिपेंड करता है आपके जेनेटिक्स पर भी। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री रही है कि आपकी फैमिली में फीमेल्स का ब्रेस्ट साइज़ कम ही है तो उसके चांसेस आपको भी होते हैं। ब्रेस्ट का साइज़ आपके हार्मोनल कंडीशंस पर भी डिपेंड करता है। अगर आपके शरीर में हार्मोनल इंबैलेंस की प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी आपके ब्रेस्ट साइज़ या तो बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं। नॉर्मल स्पेसिफिक साइज़ नहीं है, जैसा आपको भगवान ने बनाया है आपको उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, बस कोई एबनॉर्मलिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एंड यस, फिर भी अगर एक एवरेज क्राइटेरिया पूछते हैं तो जैसे देखिए वेट का बता दिया जाता है, BMI के अकॉर्डिंग आपको अंडर वेट ओवर वेट आपको करार कर दिया जाता है। तो ऐसे ही एक एवरेज जो ब्रेस्ट का साइज़ है वो देखा गया है, 34B से 36B एक एवरेज रेंज मानी गई है जो एक एडल्ट गर्ल होती है। लेकिन इसको कोई इतना फॉलो नहीं किया जाता है कि हाँ भाई इतना ही होना चाहिए। ठीक है, मोस्टली ये देखा गया है। तो आप नॉर्मल साइज़ के चक्कर में भी ना पड़े, इतना कोई चीज़ को फॉलो नहीं किया जाता। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्टली फीमेल्स का होता है कि एक ब्रेस्ट का साइज़ बड़ा है और एक ब्रेस्ट का साइज़ छोटा है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, मोस्टली फीमेल्स में ये चीज़ देखी जाती है कि दोनों के साइज़ अनइक्वल होते हैं। तो अब इसमें कहाँ आपको परेशान होने की ज़रूरत है और कहाँ नहीं। देखिए, दोनों ब्रेस्ट में 20% का डिफरेंस चल जाता है। ठीक है, लेकिन अगर 20% से ज़्यादा का डिफरेंस है कि एक ब्रेस्ट का साइज़ ज़्यादा बड़ा है और एक तरफ का साइज़ ज़्यादा छोटा है तो वो चीज़ नहीं चलती है। दैट मीन्स कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी है, मे बी कैंसर हो सकता है या कोई गांठ ऐसी है उस साइड में जिस साइड का बहुत ज़्यादा हैवी है। तो उस कंडीशन में आपको गायने को विजिट करना है, लेकिन 20% का डिफरेंस चलता है। ठीक है, उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ब्रेस्ट को बड़ा कैसे किया जाए, ब्रेस्ट को कम कैसे किया जाए और अगर ब्रेस्ट लूज है तो इसको टाइट कैसे किया जाए। ये एक तीन अलग डिफरेंट टॉपिक्स बन जाते हैं, तो उनको इस चीज़ में कवर करना बड़ा ही मुश्किल था मेरे लिए। तो इनके ऊपर अलग से डिटेल्ड वीडियो आएगा। इन चीज़ों के लिए आपकी डाइट, आपके होम रेमेडीज और आपकी एक्सरसाइज तीनों ही वर्क करती हैं। लेकिन अगर मैं एक आंसर देना चाहूँ इसका, तो ब्रेस्ट के लिए इन तीनों ही कंडीशंस में पुशअप एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज होती है। तो अभी आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, इनके ऊपर अलग से वीडियो डेफिनेटली आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेस्ट को एनहांस करने के लिए जो पिल्स आती हैं, जो दवाइयाँ आती हैं, वो कितना काम करती हैं? तो यहाँ पर मैं इन दवाइयों के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। जो फीमेल्स के शरीर में फीमेल हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, उसी के डेरिवेटिव्स होते हैं ओवरडोज में, जो आपके शरीर में एक अमाउंट है उससे ज़्यादा उसमें होते हैं। तो उससे क्या होता है, यस, आपका जो ब्रेस्ट का साइज़ है थोड़ा आपको बढ़ा हुआ लगता है और कुछ साइकोलॉजिकली भी आपको लगने लगता है कि हाँ भाई हम पिल्स ले रहे हैं, थोड़ा सा बढ़ गया है। एक्चुअल में भी थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन इन पिल्स के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं और इनका जो रिज़ल्ट मिलेगा वो आपको परमानेंट नहीं है। जब आप दवाइयाँ छोड़ देते हो लेना तो ब्रेस्ट साइज़ वापस उतना ही हो जाता है जितना दवाइयों को लेने से पहले शुरू किया था। तो आई थिंक ये इतना फ़ायदेमंद नहीं है और साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से तो मैं तो कहूँगी कि आपको दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए ब्रेस्ट साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए। ठीक, पिल्स के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जो एस्ट्रोजन क्रीम्स आती हैं उसमें पेशेंट्स को क्या लगता है, भाई इसके तो कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है क्योंकि हमें तो क्रीम ऊपर से अप्लाई करनी है, कुछ मुँह में तो खाना नहीं है, तो क्या हम वो अप्लाई कर सकते हैं? तो एस्ट्रोजन क्रीम्स
अलग से यूज़ करेंगे सिर्फ इन्हीं को तो इफेक्टिव नहीं है, इनके साथ साथ आपको दवाइयाँ, हॉर्मोनल इंजेक्शन वगैरह पूरा ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, जबकि जाके आपके ब्रेस्ट इंक्रीज होते हैं। तो इन चीज़ों में भी अपना पैसा वेस्ट ना करें, इस्ट्रोजन क्रीम्स अकेले काम नहीं करेगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आप अपनी एक वीडियो में बता रहे थे कि अंडर वायर ब्रास यूज़ करनी चाहिए, तो क्या इनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते? इनके साइड इफ़ेक्ट्स एज सच नहीं होते, अगर आप कंफर्टेबल होने पहनने में, ठीक है। अगर आपने बहुत ज़्यादा टाइट पहनी हुई अंडर वायर ब्रास, या फिर आप कोई भी ब्रा की बात करें बहुत ज़्यादा टाइट पहनते हैं तो वो आपको दिक्कत करती है। अगर आप कंफर्टेबल हो अपने सही साइज़ के लिए तो वो आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देने वाली है, तो आप आराम से अंडर वायर ब्रास यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड यस, इसके बारे में किस तरह से फिटिंग होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है जिसमें 15 थिंग्स बताए हुए ब्रास रिलेटेड। आई थिंक उसी वीडियो पे एक क्वेश्चन भी आया था, तो आप उसके ऊपर अच्छे से देखिए उसमें किस तरह की फिटिंग आपको सिलेक्ट करनी चाहिए, वो आप अच्छे से देखिए आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बस आपकी ब्रा कम्फर्टेबल होनी चाहिए, ठीक है, टाइट नहीं होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निप्पल एरिया से फ्लूड का लीक होना कितना नॉर्मल है? तो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर आपके निप्पल से किसी भी तरह का डिस्चार्ज है, चाहे वो आपका सीरस डिस्चार्ज है, सीरस फ्लूड लीक कर रहा है, चाहे वो आपका मिल्की डिस्चार्ज है, चाहे वो आपको ब्लड वाला डिस्चार्ज है, तो ये तीनों ही कंडीशन ऐसी हो जाती हैं कि नॉर्मल नहीं है, आपको गायने को विजिट करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि कैंसर से रिलेटेड है, जो ब्लड का डिस्चार्ज है वो तो कैंसर से ही रिलेटेड है, लेकिन जो जैसे कि आपका मिल्की डिस्चार्ज है तो वो ये इंडिकेट करता है कि आपके अंदर हार्मोनल इंबैलेंस है, आपका जो प्रोलैक्टिन लेवल है वो हाई हो गया है, और या फिर कई बार सिस्ट होती है तो उसकी वजह से भी सीरस डिस्चार्ज हो जाता है आपके निप्पल एरिया से। तो अगर किसी भी तरह का डिस्चार्ज है तो आप अपनी गायने को ज़रूर विजिट करें, इसको हल्के में ना लें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेस्ट पर पिंपल या हेयरी ग्रोथ हो जाती है तो ये कितना नॉर्मल है? तो अगर पिंपल की बात करें तो जैसे आपकी स्किन पर या बॉडी पार्ट पर कहीं भी पिंपल हो जाता है, तो वैसे ही आपका ब्रेस्ट भी एक शरीर का पार्ट है, अगर वहाँ पर पिंपल हो रहा है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड हेयरी ग्रोथ की अगर मैं बात करूँ तो ये मोस्टली ये भी जेनेटिक्स पर डिपेंड करता है, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री रही है कि आपके फैमिली में ब्रेस्ट पर फीमेल्स को बाल रहे हैं तो उस कंडीशन में नॉर्मल हो जाता है, या फिर अगर ऐसी हिस्ट्री नहीं है तो हो सकता है कि आपको हार्मोनल इंबैलेंस की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से अनवांटेड जगह पर भी हेयर ग्रोथ हो जाती है। और यहाँ पर मैं इसके बारे में बता दूँ, ऐसी चीज़ों को पिंपल्स का होना ब्रेस्ट पे या हेयरी ग्रोथ का होना लोग कनेक्ट करते हैं कैंसर से, तो कैंसर से तो बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है, लेकिन हाँ अगर हेयर ग्रोथ है तो उस टाइम पे एक बार आप अपने गायनेक को ज़रूर विजिट कर लें, पिंपल्स तो बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिंगलिंग एंड नंबनेस सेंसेशन का निप्पल एरिया में फील होना या फिर आपकी ब्रेस्ट में फील होना, तो ये अगर आपको मतलब एक दो बार फील होता है हफ्ते में या महीने में तो ये नॉर्मल है, मतलब इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है आपको। लेकिन यस, अगर आपको लगातार वो बहुत ज़्यादा फील हो रहा है और लग रहा है आपको ये लगातार ही सेंसेशन बनी हुई है, तो ऐसे में आप गायने को विजिट करें, लेकिन ये इतना खतरनाक नहीं होता, ये मोस्टली इंडिकेट करता है किसी वायरल इन्फेक्शन को, तो जिसका इलाज हो जाता है, ठीक है। लेकिन हाँ, रेगुलर बनी रहती है इस तरह की सेंसेशन तो आपको गायने को विजिट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यही थे हमारे आज के 10 सिलेक्टेड क्वेश्चंस, और ज़्यादा सिलेक्ट करती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, लेकिन यस, कुछ आपके जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके आंसर मैंने दिए हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको सिर्फ एक लाइन में डिफाइन नहीं किया जा सकता, उनके लिए प्रॉपर डिटेल वीडियो आएगा हमारा अलग से इस चैनल पर, तो इस चैनल पर बने रहिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि इन्फॉर्मेशन और लोगों तक भी पहुँच सके, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।